एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली? मैं भी अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, पर मैं आज एक ऐसा चीज़ बताऊंगी ना जो सुनकर आप भी शौक हो जाएंगे कि अच्छा, आपने ऐसा भी सोचा था। जी हाँ, रक्षा की रसोई चैनल, रक्षा की रसोई ब्लॉग चैनल आजकल किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, आप सबको पता ही है। और उनका जो कुकिंग वाला जो चैनल है वो तो मिलियन में व्यू आ ही, मिलियन में सब्सक्राइबर है उसके, 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं उनके और व्यू भी मिलियन में आ रहे हैं उनके। तो मतलब सब लोग बोलते हैं कि कैसे कैसे रक्षा जी का कैसे हो गया इतना जल्दी, पर मैं ये बताऊंगी कि रक्षा जी ने बहुत ही मेहनत किया है और जितना उन्होंने संघर्ष किया है ना, सबकी बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है और अपने वीडियो में वो बहुत बार बताई है कि उनका जो लाइफ स्ट्रगल वाला जो था ना, कैसे मतलब वो झेली है, कैसे वो ससुराल से कितना दिन अलग रही थी, हस्बैंड से अलग रही थी, उनकी तो छोटी छोटी बच्ची हो गई थी तब वो अलग रह रही थी मायके में, बहुत कुछ उनका स्टोरी मुझे पता है और शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो बहुत कुछ तकलीफें झेली है उन्होंने तभी, और बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने तभी आज शायद यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि बिना स्ट्रगल का कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अपना जो जो मेरा एक ये हो गया था चैनल को लेकर, मैं अपना चैनल डिलीट करने जा रही थी, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि मैं मेरे अंदर क्या हो गया था और अब क्या हुआ है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ 2 साल से, 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आकर, पर अभी तक सफलता नहीं मिला है। सफलता किसे बोलते हैं? आप सभी को पता ही होगा कि व्यू आने लगे अपने आप, जैसे ही हम वीडियो डालें व्यू आने लगे और चैनल से हमें कुछ इनकम भी आने लगे, तो उस तरह का सफलता अभी मुझे नहीं मिला है दोस्तों। मैं एकदम सच्चाई बता रही हूँ, आप मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा, व्यू बहुत मतलब समझिए कि बहुत ही डाउन है व्यू। 1-2 वीडियो बस चल जाते हैं तो चल जाते हैं, नहीं तो डाउन ही है। तो मैं क्या हुआ कि अभी बीच में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। 1-2 दिन तो मैं घर में मतलब रोई थी, मैं बहुत रोई थी, मुझे इतना रुलाई आ रहा था कि 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ और अभी तक चैनल मेरा ग्रो नहीं हो रहा है तो अब शायद कुछ भी नहीं होगा। इसी बीच में एक दिन क्या हुआ कि रक्षा जी की जो कुकिंग वाला जो चैनल है वो तो मैं देखती थी, बहुत साल से मैं उनको फॉलो की हुई थी, पर एक दिन क्या हुआ कि उनका ब्लॉग वाला जो चैनल है ना जिसपे मोटिवेशनल और टेक वीडियो बनाती है, वो वाला चैनल मुझे दिखा उनका, तो उसमें मैं देखने लगी। उसमें मुझे उनके इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो मिले कि जिसमें उन्होंने अपना लाइफ का ऐसा कुछ हिस्सा शेयर की हुई थी कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हैं। तब सच बता रही हूँ, मुझे बहुत उस दिन से हिम्मत मिली और मैं बोली कि आज के बाद ना तो मैं रोऊंगी ना ही चैनल डिलीट करूंगी और मैं काम करूंगी, भले ही 5 साल में मुझे कामयाबी मिले पर मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अब लगी हूँ, जी जान से लगी हूँ। और रक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर बहुत बहुत मैं आभारी हूँ उनकी, किस तरह का वो काम कर रही हैं हम छोटे यूट्यूबर्स के लिए। बहुत ही खुशी होता है आपका वीडियो देखकर रक्षा जी, सच में दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही हम लोग को हिम्मत देते रहिए और मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहिए हम छोटे यूट्यूबर्स के लिए। और इतना ही नहीं, मोटिवेशन ही नहीं, आपके वीडियो से बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है जो कि आप बताती हैं। मतलब रक्षा जी ना अपने वीडियो में बहुत छोटी से छोटी जानकारी देती हैं, वो अपने टैग को लेकर या कैसे चैनल को ग्रो करना है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाना है, कैसे व्यूज लाना है, बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन वो देती हैं। तो मुझे बहुत हेल्प मिला है आपसे और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और हमेशा जब भी आपका वीडियो आता है मैं ज़रूर देखती हूँ। दिल से शुक्रिया रक्षा जी। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो लोग भी अभी तक रक्षा जी के चैनल को नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए और उनके चैनल को देखिए। जो लोग भी हिम्मत हार चुके हैं ना, आपको हिम्मत मिलेगी। तो मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है, आप ज़रूर जाइए और देखिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आपके YouTube चैनल है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग या रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।